आइए दोस्तों, 21 अक्टूबर है, शुक्रवार का दिन है आज और दोपहर का 1:05 का टाइमिंग हो रहा है। हमेशा की तरह बैंक निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया है और ये जो एक हाइलाइटेड जोन है ये क्या है, एक पॉसिबल रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मैंने बोल के रखा है कि अगर यहाँ पे मुझे कुछ प्राइस एक्शन दिखेगा, डबल टॉप पैटर्न वगैरह, तो वहां पे मैं क्या करने वाला हूँ, वहां पे मैं पुट्स को बाय करने वाला हूँ। तो वहां पे सारे लोग अभी रेडी है कि मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं पे पुट्स को बाय करने वाला हूँ, ये उनको मतलब मैंने ऑलरेडी बोल के रखा है। तो अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो जोन एज एन रेसिस्टेंस की तरह क्यों एक्ट कर सकता है। उसके लिए अवरली टाइम फ्रेम का चार्ट मुझे ओपन करना होगा और यहाँ पे अगर आप बारीकी से अभी देखने की कोशिश करोगे तो ये जो जोन आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ पे उसने काफी देर होल्ड किया था, बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेट वगैरह किया था एंड फाइनली जाके उसने उसका ब्रेकडाउन दिया था। ब्रेकडाउन होने के बाद जब बैंक निफ्टी ऊपर आ रही है तो वो फर्स्ट टाइम 41,000 के लेवल को टच करने लिए आएगी। दैट मीन्स एटलीस्ट वहां पे एक बार तो वो रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आने की संभावना है दोस्तों। एंड दैट इज द ओनली रीजन कि मैं आज के दिन पे यहाँ पे पुट्स वगैरह को बाय करने का मैंने माइंड बनाया है। सो आज के दिन पे ऑप्शन बाइंग एज वेल एज ऑप्शन सेलिंग दोनों में आपको सिखाने वाला हूं। यह हमारा हमेशा का अकाउंट है जहां पे हम ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो 41,300 की कॉल, नॉट कॉल, पुट थोड़ी महंगी है, 41,200 की पुट आई गेस ठीक रहनी चाहिए। अभी साथ ही साथ मेरा दूसरा जो अकाउंट है उसको भी मैं आप लोगों के सामने ओपन करता हूँ, वहां पे भी हम रेडी रहेंगे दोस्तों। और यहाँ पे जो मैंने प्रीवियस ट्रेड की है उसको आप प्लीज इग्नोर करना और यहाँ पे हम नया बास्केट बनाने वाले हैं ऑप्शन सेलिंग के लिए। तो मेरा शेयर खान का प्लेटफॉर्म एक बार ओपन कर लू। 41,200 की जो कॉल है, देखो दोस्तों अभी हम पुट को बाय करने वाले हैं, दैट मींस कि मार्केट नीचे आएगा, मार्केट नीचे आएगा तो कॉल के रेट्स कम होंगे एंड दैट इज द रीजन कि मैं यहाँ पे कॉल्स को शॉर्ट सेल करने वाला हूँ। इंट्राडे मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ इंट्राडे, हाँ अभी हो गया इंट्राडे, MIS मतलब इंट्राडे होता है, ठीक है। एंड फॉर एन हेजिंग पर्पस, हेजिंग नहीं बट मार्जिन का बेनिफिट उठाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, 42,100 एक बार मार्जिन देख लेने दो, नहीं ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। एक काम करते हैं, क्वांटिटी कम करेंगे तो किससे रहेगा, 900 क्वांटिटी करेंगे तो भी 14 लाख के आसपास मांग रहा है, थोड़ा ज्यादा ही है। एक काम करते हैं, हम हेज थोड़ा और ऊपर का लेते हैं, मतलब ना मार्जिन का हम यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा देंगे, 1,000 की जगह पे 1,200 क्वांटिटी करेंगे, इसको ऊपर लेके आया हूं मैं, 15 लाख के आसपास बता रहा है। और क्वांटिटी कम करेंगे, 850 क्वांटिटी हम यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दूसरे अकाउंट में ऑप्शन सेलिंग के लिए मैंने बास्केट रेडी रखा है जहां पे हमें 13 लाख के आसपास लगने वाला है और जो हमारा दूसरा अकाउंट है वहां पे हम हमेशा की तरह ऑप्शन बाइंग करने वाले हैं। सो यहाँ पे ये जो एक जोन है ना मैं ड्रॉ करके रखता हूं, चाहिए तो इसके नीचे बिलीव मी बैंक निफ्टी काफी अच्छी तरह से वीक होने की संभावना है। क्योंकि हुआ कैसे है, देखो सुबह क्या हुआ था, आज के सेंटिमेंट्स के थे क्या थे, बुलिश थे, यहाँ पे गैप अप के साथ ओपनिंग हुई थी और कंटिन्यूअसली बैंक निफ्टी ने, देखो लो हाई लोअर, सॉरी हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस तरह से फॉर्मेशन करते हुए बैंक निफ्टी ने ऊपर का ट्रेंड पकड़ा है दोस्तों। और अभी वहां पे मेरे पास मल्टीपल रीजन है, एक तो वो साइकोलॉजिकल लेवल है 41,000 का, सेकंड रीजन ये है कि वहां पे एक रेसिस्टेंस जोन भी है, तो वहां पे अगर मुझे कुछ डबल टॉप वगैरह दिखाई देता है तो मैं शॉर्ट सेलिंग करना पसंद करूंगा दोस्तों। तो देखो दोस्तों यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद कैसे हुआ था, रैली आई, उसने एक फ्लैग का पैटर्न बनाया, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर से एक रैली आई, यहाँ पे उसने कंसोलिडेट किया, फिर से एक रैली आई और यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद ये जो एक मूव आया है ना, ये मूव एकदम शार्प मूव आया है दोस्तों। और एग्जैक्टली वो जो शार्प मूव था, जो लास्ट लेग होती है ना, वो इसी तरह से शार्प होती है दोस्तों। और वो एग्जैक्टली खत्म कहाँ पे हो सकती है, हमारे रेसिस्टेंस जोन के पास। सो दैट इज द वन मोर रीजन व्हाई आई सिलेक्टेड टू बाय पुट्स इंस्टेड ऑफ कॉल्स टुडे दोस्तों। 41,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, अगर अगर इस ट्रेंड लाइन जो मैंने अभी ड्रॉ करी है आप लोगों के सामने, उसके नीचे कोई भी 1 मिनट की कैंडल क्लोज होती है ना दोस्तों, आप लोगों के सामने सबसे पहले मैं ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाला हूं और उसके बाद जब वो रीटेस्ट वगैरह करने जाएगा तो हम
ऑप्शन भी बाय करने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, पूरा एंड तक देखना दोस्तों। मैं इसको ओपन ही करके रखता हूँ ये वाली पोजिशन को, ये करंटली आ तो रहा है नीचे, लेकिन फिर भी 40 सेकंड और बचे हैं इस कैंडल को खत्म होने के लिए। दोस्तों देखो, मैं जो आपको बोल रहा था ना कि मैंने टेलीग्राम चैनल पे वगैरह एनालिसिस करके भेजी है, तो आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये जो इमेज आ रही है ना, इस तरह से मैं वह एनालिसिस किया था। और टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली बेसिस पे भेजा करता हूँ मेरा ट्रेड खुद का एग्जीक्यूट करने से पहले। वहां पे मैं क्लियर कट ये भी मेंशन करता हूँ कि क्या मैं आज के दिन पे कॉल्स को बाय करने वाला हूँ या पुट्स को बाय करने वाला हूँ। अभी मैंने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया है, लेकिन मेरे टेलीग्राम चैनल पे लोगों को ऑलरेडी पता है कि थोड़ी ही देर में मैं प्राइस एक्शन देखने के बाद पुट्स का एग्जीक्यूशन करने वाला हूँ। ये आया हुआ है नीचे 4-3-2-1, क्लोजिंग हो चुकी है दोस्तों। सो 2-3 सेकंड इंतजार करते हैं, क्या ये रिटेस्ट करने आता है या नहीं। अगर नहीं आता है तो क्विकली ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड में एग्जीक्यूट कर लूंगा, क्योंकि वहां पे प्रीमियम फटाफट डिके हो सकते हैं। एक मिनट, क्या ऊपर आ रहा है ये? मैं बिल्कुल रेडी बैठा हूँ दोस्तों वहां पे एग्जीक्यूट का बटन प्रेस करने के लिए, आई गेस मुझे कर ही लेना चाहिए। चलो जाने दो, ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड है तो वहां पे कुछ ज्यादा हमें डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। 1200 क्वांटिटी एज एन हेज हमने बाय किया है और 850 क्वांटिटी हमने शॉर्ट सेल किया है। अभी इसका प्रीमियम बढ़ चुका है तो इसको कैंसिल करेंगे। 41,400 की पुट हमें यहाँ पे बाय करनी है, सो ऐड कर देते हैं हम। आज के दिन पे मैं 600 क्वांटिटीज में काम करने वाला हूँ दोस्तों। क्यों करने वाला हूँ वो वीडियो के एंड में मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा, लेकिन तब तक अगर आपके माइंड में कुछ आया हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि मैं तो हमेशा 600 क्वांटिटी में नहीं करता हूँ, 300 क्वांटिटीज में किया करता हूँ, है ना दोस्तों। तो आज मैंने क्यों 600 क्वांटिटी सिलेक्ट किया है वो नीचे कमेंट करके तब तक आप मुझे बताना। मुझे भी देखने दो कौन कौन जो मतलब मेरे फॉलोअर्स है वो सही आंसर कर पाते हैं। ये ऑलमोस्ट आया हुआ है रिटेस्ट करने के लिए, प्रीमियम्स हमें थोड़े से सस्ते भी करके देगा ये, आई गेस। यहाँ पे हमें रिजेक्शन आ रहा है, चलो बाय कर लेते हैं इसको भी 441, ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो टारगेट अभी हमें फटाफट यहाँ पे लगाना होगा 441.05, सो इसको 442 कंसीडर करते हैं। चलो 441.20, 462 का टारगेट लगाएंगे हम। 462 का लगा ही देते हैं, उतना तो वो हमें दे ही देगा, है ना दोस्तों। सो टारगेट मैंने सिस्टम में प्लेस करके रखा है 462 का। अभी देखते हैं ये वाला ट्रेड और हमारा ऑप्शन सेलिंग वाला ट्रेड साइमल्टेनियसली किस तरह से वर्क करते हैं। करंटली ये कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इन दिस ट्रेड इज वेरी मच हाई, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल रीजन है। रेसिस्टेंस के पास था, वहां पे उसने ब्रेक डाउन दिया है, ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हमें मिला है, साथ ही साथ वहां पे एम पैटर्न मतलब डबल टॉप पैटर्न की भी फॉर्मेशन हुई है, और वो वाला एरिया एक रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करने की संभावना है ऑन एन हाइयर टाइम फ्रेम। देखो हमारे स्क्रीन पे लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो, कोई नया ट्रेडर हो, तो ऐसे वाले लॉस अगर आपसे नहीं देखे जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ चार्ट देखो टारगेट प्लेस करने के बाद। मेरी आंखें उतनी ट्रेंड हो चुकी है, मैं लॉसेस वगैरह देख सकता हूँ, सो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है अगर ये ग्रीन हो या फिर रेड हो। अल्टीमेटली मेरा प्लान ये है कि आइदर मैं लॉस बुक करूंगा या फिर मैं टारगेट बुक करूंगा। डर मुझे तब लगना चाहिए जब मैं एनालिसिस कर रहा था, और मुझे मेरी एनालिसिस पे पूरी तरह से फेथ है कि आइदर वो मुझे टारगेट देगा या फिर लॉस देगा, जो भी है। अभी देखते हैं ये वाला ट्रेड हमारा किस तरह से परफॉर्म करता है। चलने देते हैं दोस्तों इस ट्रेड को, ये कुछ मतलब रिटेस्ट वगैरह करने के लिए ऊपर की ओर आ रहा है। अभी वो ट्रेड लाइन को मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन हमारी ये वाले कैंडल पे इनिशिएट हुई है, सो ये वाले कैंडल पे हमारी पोजीशन इनिशिएट हुई है। स्टॉप लॉस हल्का सा ऊपर देंगे हम, 50 पॉइंट 70 पॉइंट ऊपर हमें स्टॉप लॉस देना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि एकदम बिल्कुल टॉप के पास हमने शॉर्ट किया है दोस्तों। कई सारे लोग बोलते हैं ना टॉप एंड बॉटम फाइंड आउट नहीं कर सकते, देखते हैं क्या आज हम टॉप को फाइंड आउट कर पाए हैं या नहीं, थोड़ी देर में पता चलेगा। सो टारगेट ये प्रीवियस जो रैली चालू हुई थी उसके लो से थोड़ा सा पहले पहले निकलेंगे, और दिस इज आवर स्टॉप लॉस। यहाँ पे मैंने सिखाने के लिए आपको बताया है, लेकिन इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं देने वाला नहीं हूं। अगर कोई भी एक मिनट की कैंडल इस वाले अभी ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दे देती है तो मैं मेरा स्टॉप लॉस सीधा यहां से हाई से 2-4 पॉइंट ऊपर रखने वाला हूं दोस्तों। तो इस तरह से आपको भी थिंक करने के लिए आना चाहिए।
एंड दैट इज द ओनली रीजन कि मैं लाइव रिकॉर्डिंग करता हूँ, क्योंकि ट्रेड लेने से पहले मैं किस तरह से सोचता हूँ, ट्रेड लेने के बाद जब मैं ट्रेड में होता हूँ तो किस तरह से सोचता हूँ, ये आपको सीखने मिल सके दोस्तों। सो ऊपर एक ट्रेंड लाइन मैंने और ड्रॉ कर रखी है, उसके ऊपर अगर निकलता है तो हमारे स्टॉप लॉसेस होने की भी संभावना है, जिसकी मुझे प्रोबेबिलिटी सिर्फ 10-15% ही लग रही है। कुछ अच्छी तरह से यहाँ पे पैटर्न की फॉर्मेशन कर रहा है। अभी ये एक मिनट का चार्ट है, इसको अगर आप 5 सेकंड के 10 सेकंड के टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो उसने एम पैटर्न ऑलरेडी बनाया है। प्रीवियस हाई लगाने के बाद जो हाई लगा है ना, वो उसके नीचे का लगा है और वहां पे एक बड़ी सी रेड कैंडल ने उसको खाया भी है दोस्तों। सो देयर इज एन हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से मार्केट को नीचे आना है। देखो रिजेक्शन भी कर रहा है वो। सो इस तरह से ना ट्रेड का मजा लेने के लिए भी आपको आना चाहिए दोस्तों। तो जो मैं टेलीग्राम चैनल की बात कर रहा था ना थोड़ी देर पहले, जहां पे मैं मेरा ट्रेड एग्जीक्यूशन करने से पहले जो इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि मैं पुट्स को बाय करने वाला हूँ या फिर कॉल्स को बाय करने वाला हूँ, तो उस टेलीग्राम चैनल के लिंक अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, जहां पे नीचे कमेंट्स वगैरह आप किया करते हो, तो वहां पे डिस्क्रिप्शन का एक सेक्शन होता है, उसमें आपको उस टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों वो चैनल, वहां पे क्लिक करके आप उसके मेंबर बन सकते हो। वहां पे मैंने कमेंट का वगैरह भी सेक्शन ओपन रखा है, ताकि अगर लाइव मार्केट में आपके कुछ डाउट्स है या आपकी कोई पोजीशन फंसी है या फिर अगर आपके कुछ क्वेरीज है, तो वहां पे आप मतलब पूछ सकते हो चार्ट वगैरह पोस्ट करके, और वहां पे मैं या फिर मेरे अदर जो फॉलो मेंबर्स है, मेरे जो दोस्त है, वो एक दूसरे को हेल्प करने की भी कोशिश करते हैं। मोटिव सिर्फ ये है दोस्तों कि वहां पे एज एन ट्रेडिंग कम्युनिटी हमें ग्रो करना है। करंटली देखा जाए तो 7000 के आसपास प्रॉफिट दिखाना इसने स्टार्ट कर दिया है। आई होप कि आपने इस वीडियो के नीचे अब तक कमेंट कर दिया होगा कि मैंने 600 क्वांटिटी में आज के दिन पे क्यों काम किया है। दोस्तों वीडियो के एंड में तो मैं आपको बताऊंगा ही, ये वाली पोजीशन क्या चल रही है, 3000 का प्रॉफिट 1000 का लॉस, मतलब 2000 के प्रॉफिट में हमारी ऑप्शन सेलिंग की भी पोजीशन चल रही है दोस्तों। देखो साइमल्टेनियसली दो अकाउंट में हैंडल कर रहा हूं। देखो इस ट्रेंड लाइन के नीचे भी अभी ये आने की इसने कोशिश की है। सो दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रेल माय स्टॉप लॉस। सो मैंने स्टॉप लॉस को 20-25 पॉइंट से कम कर लिया है। अभी हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड और भी बेहतर है। अगर मार्केट यहां से ऊपर भी आती है तो हमें 5 या 6000 से ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, इंस्टेड ऑफ हैविंग 600 क्वांटिटीज दोस्तों। सो इस तरह से आपको भी ट्रेड का एग्जीक्यूशन, नॉट एग्जीक्यूशन, ट्रेड का मैनेजमेंट बोला जाता है दोस्तों। एक बार आप ट्रेड के अंदर आते हो ना, तो उसको मैनेजमेंट बोला जाता है। ट्रेड का मैनेजमेंट आप कर पाओगे दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद। लर्न करने की कोशिश करो। मेरा प्रॉफिट या मेरा लॉस आपको कुछ भी मदद नहीं करने वाला है। ये अभी हमारा न्यू स्टॉप लॉस होने वाला है दोस्तों। भले ही आपको दिखेगा कि यहाँ पे 4000-6000 में डेली बेसिस पे अर्न कर रहा हूं, लेकिन क्या वो आपके पॉकेट में आने वाला है? बिल्कुल भी नहीं आएगा आपके पॉकेट में, है ना दोस्तों। आपके मतलब आपके पॉकेट में नहीं, लेकिन आपके दिमाग में वो जा सकता है कि पैटर्न्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है और ट्रेड का एग्जीक्यूशन एंड मैनेजमेंट कैसे करना है। ये थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मुझे डरा रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये रिट्रेसमेंट है दोस्तों। मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ इस ट्रेड में, देखते फिर भी मार्केट जो भी हमें बताएगा वो हमें एक्सेप्ट करना होगा दोस्तों। तो अभी चलने देते हैं इस ट्रेड को, थोड़ी देर बाद मैं आपको फिर से अपडेट करता हूं। एंड फाइनली वी आर वेरी क्लोज टू आवर टारगेट, 459-460 का रेट भी मैंने देख लिया स्क्रीन पे। सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट दूर है हम हमारे टारगेट से दोस्तों। किसी भी समय अपना टारगेट अचीव करने की संभावना मुझे नजर आ रही है दोस्तों। आई होप कि आप कुछ ना कुछ नया इस वीडियो से सीख रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दो दोस्तों। अगर आपके कोई दोस्त हो जो ऑप्शन बाइंग सीखना चाहते हैं, उनके साथ भी आप इन वीडियो को शेयर करने की कोशिश करो। जैसे आप इस वीडियो तक पहुंचे हो, आप नई चीजें सीख रहे हो, वैसे आपके जो कोई दोस्त हो जो कि मतलब ऑप्शन बाइंग सीखना चाहते हैं, वो भी कुछ सीख पाए, इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि वीडियो को लाइक करके शेयर किया करो दोस्तों। अगर टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो टेलीग्राम चैनल के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे क्लिक करके उसको भी ज्वाइन करके रखो, ताकि आप भी कुछ नई चीजें और सीख पाओ। क्योंकि वहां पे मैं सिर्फ इंट्राडे का पुट और कॉल का ही नहीं, साथ ही साथ में जो वीकली बेसिस पे पोजिशनल अकाउंट में जो ऑप्शन सेलिंग करता हूं ना, वो भी मैं इमेज पोस्ट किया करता हूं। देखो आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये जो इमेज आ रही है ना, यही वो पोजिशन है जो मैंने आज के दिन पे अगले वाले वीक की एक्सपायरी के लिए डिप्लॉय करके रखी है दोस्तों। सो अभी अगर ये फिर से इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है, तो हम हमारा स्टॉप लॉस जो है ना, वो यहां तक लेके आ सकते हैं, क्योंकि उसने काफी नीचे क्लोजिंग वगैरह भी दे दिया है। सो अभी
जस्ट एक्चुअली उसने ऊपर क्लोज किया, बट ठीक है अभी हमने हमारे स्टॉप लॉस को और भी कम कर दिया दोस्तों, क्योंकि अगर ये वाला स्टॉप लॉस अभी वो हिट करता है तो ऊपर के दो जो हाई है वो भी वो तोड़ के जा सकता है दोस्तों। सो इस तरह से आपको भी काम करने के लिए आना चाहिए। सो फाइनली ये आया हुआ है 461.80 और ये इसने कर दिया है अपना टारगेट अचीव। 462 पे हमने टारगेट लगाया था। स्क्रीन को मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। बुक किया हमने 12,500 के आसपास का प्रॉफिट दोस्तों, लेकिन प्रॉफिट मत देखना, प्रोसेस को फॉलो करने की कोशिश करो। चलते हैं ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन में क्या हाल है। यहाँ पे भी 17-18,000 का प्रॉफिट नजर आ रहा है, क्या करें, इसको भी बुक कर ले या होल्ड करूं मैं, एक बार चार्ट वगैरह मुझे देखना पड़ेगा। देखो 18,000 माइनस 4,500 का लॉस है, राइट। सो 14,000 के प्रॉफिट में ये भी हमारा ट्रेड चल रहा है। देखो आपने कंपेयर किया होगा तो आपको नजर आया होगा कि ऑप्शन बाइंग में 270,000 डिप्लॉय करके हमने 12,000 रन किया, यहाँ पे 13,00,000 डिप्लॉय करने के बाद हमें 14,000 के आसपास मुनाफा मिल रहा है दोस्तों। मैं आई गेस यहाँ पे एग्जिट कर लेता हूँ इस पोजिशन को भी, ताकि वीडियो ज्यादा बड़ी ना बने। ये तो सिर्फ आपके लर्निंग पर्पस के लिए मैं मतलब एग्जिट कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसको और भी होल्ड करने का मतलब मेरा मन था दोस्तों, बट ठीक है। तो देखो दोस्तों आज के दिन पे भी जो हमने ट्रेड लिया था उसमें भी सेम और सिमिलर कंसेप्ट था। ऊपर यहाँ पे 41,000 के आसपास बैंक निफ्टी में क्या था, एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था, जिसको हमने कैसे आइडेंटिफाई किया था, जिसको हमने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके आइडेंटिफाई करके रखा था। तो ये आपको करने के लिए आना चाहिए। आवरली टाइम फ्रेम पे मुझे एक रेसिस्टेंस का जोन नजर आया था, सो दैट वाज द रीजन नंबर वन कि वहां पे क्या था, आज एक रेसिस्टेंस का जोन था। रीजन नंबर टू बिहाइंड दिस ट्रेड क्या था कि 41,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है दोस्तों, तो वो एक रीजन था। थर्ड रीजन मैंने वहां पे क्या देखा था, रेसिस्टेंस एरिया के पास उसने डबल टॉप की पैटर्न की फॉर्मेशन करी, और जब छोटे टाइम फ्रेम पे उसने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दिया, कैंडल की क्लोजिंग करी, तो उसके बाद मैंने वहां पे पुट्स को बाय किया। एंड उसके बाद फोर्थ वाला रीजन क्या हो सकता है इसमें, फोर्थ वाला रीजन यह हो सकता है कि उसने जो हाई किया था वो लोअर हाई की फॉर्मेशन उसने करी हुई थी, मतलब जो डबल टॉप बनाते वक्त जो प्रीवियस हाई था वो ऊपर का था, और नेक्स्ट टाइम जब वो ऊपर जाने की कोशिश किया तो वहां पे उसने क्या किया था, लोअर हाई की फॉर्मेशन करी थी। तो अगर ये तो हमारा 1 मिनट के चार्ट पे हमने देखा, अगर आप 10 सेकंड, 5 सेकंड, 1 सेकंड का चार्ट अगर देखोगे तो वहां पे आपको कुछ इस तरह से वो नजर आया होगा दोस्तों, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इस ट्रेड के बिहाइंड क्या क्या रीजंस थे। तो ऐसे मल्टीपल रीजंस आपको भी फाइंड आउट करने के लिए आना चाहिए, एंड दैट इज द ओनली रीजन कि मैं लाइव रिकॉर्डिंग करता हूँ, ताकि आप लोग सीख पाओ दोस्तों। आज मैंने 12,000 का अर्निंग किया तो वहां पे आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, हो सकता है कि आपके पास कम कैपिटल हो, आपने वहां पे सिर्फ 200 रुपया अर्न किया हो, है ना दोस्तों, लेकिन वो 200 रुपया भी अर्न करने के लिए आपके पास इस तरह से मल्टीपल रीजन होने चाहिए, तब जाके आप आगे जाके सक्सेसफुल हो सकते हो दोस्तों। अभी नीचे आई गेस बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया होगा, लेकिन मैं फिर से बता देता हूं आप लोगों को जो मैंने प्रॉमिस किया था कि आज के दिन पे मैंने 600 क्वांटिटीज में क्यों काम किया, क्यों मैंने रूल को ब्रेक किया। तो दोस्तों आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, रूल्स मैंने ब्रेक वगैरह नहीं किया है। अभी सैटरडे संडे के बाद आने वाले मंडे को दिन मार्केट की छुट्टी है दिवाली होने के कारण दोस्तों, सो मेरे पास वो एक रिस्क एपेटाइट था कि वो मैं रिस्क आज के दिन पे ले पाऊं, क्योंकि मंडे के दिन में सिर्फ इवनिंग में मार्केट खुलेगी, जिसको एक मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन बोला जाता है, लेकिन एक घंटे के अंदर मतलब ट्रेड करना थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वहां पे चार्ट वगैरह प्रॉपर जनरेट नहीं हो पाएगा दोस्तों। सो दैट वाज द ओनली रीजन दोस्तों कि आज के दिन पे मैंने 600 क्वांटिटीज में काम किया, मैंने कोई भी रूल मेरा ब्रेक नहीं किया है दोस्तों, क्योंकि मैं मंडे के दिन पे काम नहीं करने वाला हूँ। सो वो जो 300 क्वांटिटीज है वो मैंने आज के दिन पे ट्रेड करके उसमें से मुनाफा बुक कर लिया है दोस्तों। सो आई होप आप में से काफी सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया होगा नीचे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों अभी कल है सैटरडे, परसों है संडे, एंड देन वहां पे दिवाली का छुट्टी है, सो मार्केट 3 दिन बंद रहने वाली है। सो आप सभी लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं एडवांस में दोस्तों, आपकी दिवाली एंजॉय करना, वीकेंड एंजॉय करना। मंडे के दिन पे मैं ट्रेडिंग नहीं करने वाला हूँ, तो मंडे लाइव ट्रेडिंग का वीडियो नहीं आएगा। ट्यूजडे के दिन फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, उस दिन मैं लाइव ट्रेडिंग करूंगा, तो ट्यूसडे अभी हम नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करेंगे दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपने और एक नया कंसेप्ट प्राइस एक्शन का सीखा होगा। जैसे देखो प्राइस एक्शन से आप कुछ भी कर सकते हो, ये हमारा रेसिस्टेंस का जोन था, सो मैंने
आपको ऑप्शन बाइंग भी करके दिखाया, साथ ही साथ मैंने आपको ऑप्शन सेलिंग भी करके दिखाया। क्या मैंने कोई इंडिकेटर लगाया? बिल्कुल भी नहीं लगाया। सिंपल मैंने वहां पे डबल टॉप पैटर्न की फॉर्मेशन देखी, ट्रेंड लाइन का जब ब्रेक डाउन हुआ तो मैंने वहां पे ऑप्शन को सेल भी किया, जब वो रिटेस्ट करने ऊपर आया तो मैंने ऑप्शन को बाय भी किया दोस्तों। सो कई सारे लोग आपको ये बताएंगे कि ऑप्शन सेलिंग करने के लिए ना आपको अलग अलग स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, अलग इंडिकेटर लगाने पड़ सकते हैं, ईएमए लगाने पड़ सकते हैं, इचिमो को क्लाउड लगाना पड़ सकता है। ऑप्शन बाइंग अगर करना है तो आपको वीवैप लगाना चाहिए, आरएसआई लगाना चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोग आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, बताएंगे भी। मैं उनको गलत है ऐसे बिल्कुल नहीं बोलूंगा, हो सकता है उनकी उसमें मास्टरी हो, लेकिन बिलीव मी दोस्तों, जितना आप चीजों को सिंपल रखने की कोशिश करोगे उतनी आपकी ट्रेडिंग अच्छी होगी। आज शायद आपको ये बात अच्छी नहीं लग रही होगी, आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ मतलब बकवास वगैरह कर रहा हूं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप इस मार्केट में आगे बढ़ोगे तो जरूर और जरूर आप इस वाली चीज को याद रखोगे कि सिंप्लिसिटी इज द ओनली सॉल्यूशन टू सस्टेन इन स्टॉक मार्केट। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई होगी आज के दिन पे, लेकिन मैं आशा करता हूं आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। नीचे मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना दोस्तों, मुझे कमेंट्स रीड करने में बहुत मजा आता है। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक भी कर दो दोस्तों, लाइक तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसके लिए आपको कुछ पैसे वगैरह पे नहीं करने पड़ते हैं। एंड अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन आने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करके रखना, ताकि ऐसे नए वीडियो जब भी मैं रिलीज करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आएगी मोबाइल पे और आप कुछ नई चीजें लर्न कर पाओगे दोस्तों। तो अभी फिर से मिलेंगे ट्यूजडे के लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में, तब तक के लिए दिवाली एंजॉय करो, वीकेंड एंजॉय करो, गुड बाय दोस्तों।